संबल के शहीद के परिजनों को सीएम हाउस से बुलावा आया। तहसीलदार सीएम के बुलावे की सूचना लेकर शहीद के घर गया और बताया कि सीएम साहब ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है आज सुबह 11 बजे। हालांकि परिजनों ने प्रशासन के सामने अभी तक हामी नहीं भरी है और घर परिवार में विचार विमर्श कर जवाब देने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने परिवार के सभी सदस्यों को लेकर लखनऊ जाने का इंतजाम कर दिया है। आपको बताएं कि मंगलवार को शहीद के पिता ने सरकार पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया था और कहा था कि जब तक सीएम नहीं आएंगे वो बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। समाचार पत्र से खबर प्रमुखता के साथ दिखाई, उसका असर सीधा सीएम हाउस में हुआ है या बुलावा आया है सीएम साहब की तरफ से और कहा गया है कि आप पहुंचे। विचार हमारा नहीं है, अब परिवार के विचार जो होंगे वो बताइए क्या हो। जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सुबह 11 बजे का समय दिया है परिवार के लोगों के साथ मिलने के लिए, तो एडीएम साहब के नेतृत्व में परिवार के 11 सदस्यों की जो स्वीकृति प्राप्त हुई है उन्हें लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराई जाएगी। संबल से मेरे साथ हमारे संवाददाता अभिनव माथुर फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। अभिनव माथुर, जिस तरीके से सीएम साहब का बुलावा आया, 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है कि आप आइए मुलाकात कीजिए, क्या लगता है क्या पूरा परिवार जाएगा मुलाकात करने के लिए, वो परिवार जो लगातार सीएम पर पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए जिस तरह से जो परिवार जो है अपनी मांग पर जो है लगातार अड़ा हुआ है, कल जो है सीएम का बुलावा आया था और तहसीलदार सीएम के बुलावे को लेकर के परिजनों से जो है मिलने पहुंचे थे, लेकिन अभी तक जो है रात में जो है उन्हें मनाने की जो कोशिश की गई परिवार को वहां लखनऊ ले जाने के लिए, लेकिन परिवार जो है सीधे मांग पे जो अड़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री आएंगे तो हमारे गांव, और अगर उन्होंने दुख दर्द बांटना है हमारे परिवार का तो यहां आकर के हमसे जो है मिले, लेकिन हम लोग वहां नहीं जाएंगे। अच्छा बिल्कुल, तो अभी ना वैसे में क्या किया जाएगा, कोई बीच का रास्ता नजर आ रहा है, क्योंकि ये परिवार जो है अपने हठ पर कायम है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो है लगातार जो प्रशासन जो आने में लगा हुआ था जो है उनको की जो है, और जो है वो प्रशासन ने जो पूरी तैयारी कर ली थी गाड़ियों से जो है ले जाने की उन्होंने तैयारी। जी अभिनव शुक्रिया, अभिनव आपकी आवाज मुझ तक साफ पहुंच नहीं पा रही है, तमाम इनपुट्स आप दे रहे हैं उसके लिए शुक्रिया आपका, फिर आपसे संपर्क करेंगे। तो यहाँ पर